एक जमाना था जब अखबार में अच्छी खबरें छपती थी, अब तो बस घोटाले, अपराध और ना जाने कौन कौन सी दुखद खबरें छपती हैं। ये देखो, प्रेमिका से शादी ना होने पर प्रेमी ने काटा हाथ। आजकल के लड़कों की हिम्मत देखो। और हम साला ब्लेड के डर से 6-6 महीना झाट नहीं काटते। ओहो हो, अब बरसे का पानी, बढ़िया मौसम हो रहा है, एक एक चाय हो जाए। अरे सुनो, बढ़िया मौसम हो रहा है, टीटू को चाय पीने का मन है। मेरे कंधे पे रख के बंदूक मत चलाओ दीदी, इनका मन है। किसी को चाय नहीं मिलेगी, घर में पानी नहीं है। हैं? कैसे, मुझे क्या पता, नलके में रुक रुक के पानी आ रहा है। अरे सुबह तो मोटर चलाई थी। गया गया। ए बेटा, वो जाके तेरे छज्जे पे चेक कर, टंकी में पानी है कि नहीं। आप चले जाओ, मेरा पेट खराब है। बेटा 5 मिनट का काम है, सीढ़ी लेके चढ़ जाओ ऊपर और देख ले बस। हाँ बेटा, मैं नीचे से सीढ़ी पकड़ लूंगा। अंकल, अभी कोई मेरे नीचे आ गया ना तो ये उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती होगी। मैं टॉयलेट होके आता हूँ। भुवन गया। आंटी, कोई पेट दर्द की दवाई है? हाँ है बेटा, लेकिन घर में पानी नहीं है, गोली चबा के खानी पड़ेगी। कुछ चूसने के लिए? हाँ वालिये साहब। हाँ जी नमस्ते, मैं सामने वाली बिल्डिंग से बोल रहा हूँ। एक सेकेंड, तुम अपने ब्लाउज बाहर सुखाती हो क्या? नीचे वाली सुखाती है। अरे नहीं नहीं, मैं ब्लाउज वाली के ऊपर रहता हूँ, मतलब उसके ऊपर वाले फ्लोर पे रहता हूँ। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अरे आपके घर पे पानी आ रहा है क्या? टंकी खाली आपकी भी? मैं बोल रहा हूँ, बंदरों की टोली आई है, सब बाथ टब के मजे ले रहे हैं। बंदर आए हैं क्या? अच्छा अच्छा, कह रहे हैं कि बीवी के मायके वाले परसों आएंगे। हाँ ठीक है ठीक है, आपको कुछ पता लगे तो बताना। जी जी, पानी की समस्या देश भर में बढ़ गई है। हाँ कविता, क्या घर में पानी नहीं है? पूरे इलाके में नहीं है? क्या हो रहा है देश में? मैं गुल्लू को बोल के बड़ी बोतल भिजवाता हूँ। क्या भिजवाता हूँ? हाँ, आई मिस यू टू। जब तक मैं ना हूँ तो बर्फ चूस के काम चला लो। मैं कपड़े कैसे धोऊंगी? अंकल एक ही टॉयलेट है पूरे घर में। हाँ बेटा, हम बारी बारी जाते हैं। जब मैं टॉयलेट में होता हूँ और इसको लगती है तो ये दरवाजे पे आके कहता है पापा हो गई, नहीं भी हुई होती तो रोक के बाहर आ जाता हूँ। कोई और इंतजाम नहीं है क्या? थैला लेके जाओ, छत पे कर, खुले में। हगने वाले तो ट्विटर पे भी हकते हैं। पापा पापा, टॉयलेट पे पानी क्यों नहीं है? पूरे घर में नहीं है, नलके में रुक रुक के पानी आ रहा है। आगे आगे। अबे फ्लश नहीं किया मैंने, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता भाई। तो क्या पिरामिड बनाएगा अंदर? बेटा बाथरूम से बाल्टी लेके उसमें पानी डाल दे। बाल्टी में भी पानी नहीं है, सिर्फ टिश्यू पेपर से साफ किया मैंने। मैंने तो सुना है कि बाहर के देशों में टॉयलेट में पानी होता ही नहीं, वो टिश्यू पेपर से ही साफ करते हैं। तब तो उनके चूतड़ वेलक्रो की तरह खुलते होंगे। यार सुबह तो टंकी फुल थी। जीजाजी कितनी देर तक खड़े रहते हो शावर में? अरे कहाँ शावर यार, बाल्टी से नहाता हूँ और शावर के ना सारे छेद भर गए हैं, बस एक बीच का छेद चलता है, उसमें से इतनी तेज धार से निकलता। अरे बेटा जाके शावर चालू करके उल्टा झुक के खड़ा हो जा। पानी नहीं यार, और उल्टा झुक के क्यों खड़ा हूँ? तो फिर पानी खत्म कैसा हुआ? ये नहाता है 4-4 बाल्टी से। तो मुझे जरूरत होती है, मेरे लंबे बाल हैं। उस हिसाब से तो मुझे समुंदर में डुबकी लगा लेनी चाहिए। तुम कहाँ शिल्पा शेट्टी बन रही हो? बेटा 2020 तक 21 शहरों में पानी की किल्लत हो जाएगी, ना जाने रोज कितने लोग पानी ना मिलने की वजह से मर जाते हैं। अरे तुम लोगों के पास सुविधा है तो ढंग से प्रयोग करो ना, 1-2 बाल्टी में हो जाता है नाना। मामा मेरे अकेले के 2 बाल्टी कम इस्तेमाल करने से क्या फर्क पड़ेगा? तेरी तरह अगर 1 करोड़ लोग 2-2 बाल्टी बचाने लगे, सोच कितने करोड़ों लीटर पानी बचेगा। जो लोग 3 दिन में एक बार नहाते उनके लिए 4 बाल्टी सही है। 50 में से 30 गए कितने बचे? 20। 20 में से 15 गए तो? 5। 5 में से 5 गए तो? 0। दैट मेनी फक्स आई गिव अबाउट योर ओपिनियन। और जीजा जी, मैंने आपको भी देखा, दाढ़ी बनाते टाइम पानी खुला छोड़ देते हो। वो तो कभी कभी, यही चीजें तो आदत बन जाती हैं। सोच अगर तू 2 बाल्टी कम से नहाता तो 1 बाल्टी से तेरा फ्लश हो जाता और 2 बाल्टी से तेरी माँ कुछ कपड़े धो लेती। और जीजा जी, अगर आप भी शेव करते टाइम नलका बंद रखोगे तो इतना पानी बचा लोगे कि कहीं कोई एक परिवार तो पैसा नहीं सोएगा। इतनी तेज आवाज सुन के तो वैसी गांड फट जाती है, अब तो गांड में बारूद भी है बेंच। अभी हमने एक स्कूल में पोएम नहीं पढ़ी थी, राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर, उसमें एक लाइन थी, वाटर वाटर एवरीवेयर नॉर एनी ड्रॉप टू ड्रिंक। मेरी टट्टी की कोई बात नहीं कर रहा मैं। इतना समझदार होता तो बाल्टी खुले में रख देता, अभी तक भर गई होती, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। अब तो बहुत टाइम लग जाएगा, बाल्टी में ही कर दूं, फिर उसको खुले में रख दूंगा। हाँ फिर फावड़े से आमलेट की तरह फेंट लियो बे खच्चर की लींद। सोच समझ के बोला कर, जब आपको आएगी ना तब देखूंगा। मेरा हाजमा ठीक है? जोर से बोला कि मैं कोई, ये तो सोचो मैं खाना कैसे बनाऊंगी नलके में रुक रुक के। हाँ हाँ पता है, रुक रुक के पानी आ रहा है, हकला है नलका। टोमेटो से मंगवा लेता हूँ। अरे नहीं यार, पिछली बार फुल चिकन मंगवाया था, लेग पीस एक ही था। लंगड़ा मुर्गा होगा। हट जा। अबे फ्लश नहीं किया मैंने।
अखबार में तो पानी की समस्या के बारे में कुछ खास बताते नहीं। पर क्या जरूरत है, किसको परवाह है, जिनके पास भरपूर पानी है वो तो एंटरटेनमेंट की खबरें पढ़ते हैं, उनको दीन दुनिया में क्या दिक्कत चल रही है उससे कोई परवाह नहीं है। मैंने तो अखबार पढ़ना ही छोड़ दिया है, शुरू के कुछ पन्ने तक तो एडवर्टाइजमेंट ही दिखती है, मेन खबर बाद में। ये सेल, वो सेल, 12 बजे की सेल, हेयर ट्रांसप्लांट की सेल, फिल्म का पोस्टर, रीमेक का पोस्टर, उसके गाने का पोस्टर। ओहो, 4 BHK का विला कहाँ पे, गुड़गांव में, सिर्फ 15 लाख दो और भूल जाओ, क्यों गजनी हो भैंचो। रक्षाबंधन के गहने, दिवाली के गहने, दीपिका के उतारे हुए गहने, एडवर्टाइजमेंट एडवर्टाइजमेंट एडवर्टाइजमेंट, सेल 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 के बाद मर्डर और रेप।